दुंदी तहसील में खनन माफियों की पिपराडी को दुंदी तहसील प्रशासन के लिए लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है। खनन माफियों के रसूख के आगे सिस्टम बोना नजर आता है। पिछले एक दशक से यहां अवैध खनन ग्रामीणों के लिए नाशूर बना हुआ है। ग्रामीण विरोध करते हैं, अधिकारियों से शिकायत भी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की मिलीभगत से कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। दुंदी तहसील क्षेत्र में 12 से अधिक गाँव में अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है। दुंदी के पिपराडी में सुबह बालू खनन कर रहे ट्रक व डंपरों से सड़क के टूटने व खनन की मिट्टी से हो रहे प्रदूषण से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करने लगे। पूछताछ में ग्राम सभा के प्रधान ने बताया कि वो नदी से बालू लेकर ओवरलोड ट्रकों की वजह से गांव का रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। कई घरों भी ट्रकों के द्वारा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी रात ट्रक व डंपर सोने नहीं देते हैं। ट्रक व डंपरों के आगमन से उड़ती धूल व मिट्टी से जीना दूभर हो गया है। खनन में लगे ओवरलोडेड ट्रक व डंपरों से क्षेत्रीय सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ट्रक व डंपर से आए दिन जानवरों को भी हानि होती है। ग्रामीणों की नाराजगी यहां बनी हुई है। बाद में चेतावनी देकर ग्रामीणों ने ट्रक व डंपरों को रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर यह व्यवस्था सुधरी नहीं तो ग्रामीण रोड पर जाम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पड़ेगा राकेश कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान यहां पे हैं अभी वर्तमान में हैं। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि देखिए, जब से बालू साइड चला है यहां से, जी जी ठेकेदार से हम बोले थे कि पहले जो रोड चल रहा है उस रोड से आप ले जाइए, लेकिन माना नहीं ठेकेदार। वो दबंगई से बिल्कुल एकदम कि नहीं, हम इसी रोड से ले जाएंगे। भाई हम चूँकि यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, हम क्या कर सकते हैं अकेले? पब्लिक को गुमराह करके, हमारे अगल बगल के जितने भी काश्तकार हैं, गुमराह करके जो तुम्हें इतना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब करते करते रोड को मारा है, एकदम भजिया खबर गया रोड का पूरा। आप देख लीजिए, सामने रोड है ही। उच्च अधिकारियों से आपने नहीं बात किया अभी तक? उच्च अधिकारी से तमाम तरह से बात हुआ है, अधिकारी जांच कर रहे हैं, बस यही हो रहा है। प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में कई बार दिए। क्या सद्भावना आपको मिल रहा है कि कार्य को बंद किया जाएगा कि सड़क बनवाई जाएगी? बोल रहे हैं बनेगा, अक्टूबर से कहते आज जनवरी आ गया, बस यही है जो बनेगा। कभी ग्रामवासी, अब आपका क्या मांग है? ग्रामवासियों का सब मांग है जो पहले बढ़िया रोड बने, और ये रोड बनने के साथ साथ पूर्व में जहाँ से चलता था ये बालू साइड, पीछे से रोड बना हुआ है उधर से नहीं, ये बालू वाला नहीं है, जबरिया नहीं, बालू वाला रोड नहीं है, लेकिन जबड़ी 20 घनी से बालू वाला रोड नहीं है, ग्राम सभा में के रोड है, बालू का ये रोड नहीं है, ये ट्रैक्टर है जोता जोती वाला। सर, जिले में हो रहे अवैध बालू खनन, क्या आपके संज्ञान में? नहीं, अवैध बालू खनन किसको करते हैं? बस अवैध बालू खनन जो सीमा से बाहर जाके, सर जितने भी पट्टे हमारे दिए गए हैं सभी जियो कोऑर्डिनेट्स के आधार पर दिए गए हैं, ठीक है? तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि एरिया से बाहर है? जब तक जियो कोऑर्डिनेट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता कि जिस एरिया में हमने स्वीकृत किया उससे बाहर है, तब तक अवैध खनन तो उसको नहीं कह सकते हैं। सर, अभी 10 तारीख को उच्च अधिकारियों का दौरा था, खनन क्षेत्र में स्यापा फैला था, ये सहयोग की प्रयोग है? नहीं, ये तो हो सकता है कि बीआरपी मूवमेंट हो, हाँ उसमें लोगों ने ट्रैफिक में जाम न हो जाए, असुविधा न हो, उस कारण से पुलिस विभाग द्वारा इस तरह की जाती है कि रोका जाता है गाड़ियों को, ये हो सकता है। और सर, खनन के लिए आधुनिक मशीनों का जो भी प्रयोग किया जा रहा है, साथ में नाव का प्रयोग और ऐसी मशीनों का प्रयोग करना, क्या नाव का तो प्रतिबंधित है, नाव का उपयोग नहीं है, सभी लीजों में दिखने को मिला, तो उसमें हमने पेनल्टी किया, कई बार पेनल्टी किया, बरसात से पहले भी किया और बरसात के बाद भी पेनल्टी किया, और हम पेनल्टी का जो रूल्स में जो प्रोविजन है उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, जो नदी की धाराओं को मोड़ खनन किया जा रहा है उस पर आप क्या? नहीं, नदी की धाराओं का मोड़ने का तो कहीं पेपर में आते हैं, जांच भी मैंने कराया, कई बार जांच भी कराया, लेकिन नदी धाराओं मोड़ने का कहीं अभी तक प्रकरण नहीं आया सामने, चूँकि नदी की धारा, चूँकि रास्ता बनाते हैं तो लोग उसको बता देते हैं कि नदी की धारा मोड़ दी है, तो गाड़ियां मूवमेंट के लिए तो रास्ता तो बनाएगा ही, तभी तो लोडिंग हो पाएगा। सर, ये बालू का जो भी आवागमन होता है भारी वाहनों से होता है, और ऐसी स्थिति में जो भी लोडिंग होता है बालू का, बहता हुआ पानी रोड पर इस तरह से रोडों को खराब कर रहा है, आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, इसके लिए क्या करना? इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर ड्राई बालू आएगा तो फिर डस्ट उड़ेगा, फिर धूल उड़ेगी पूरा रास्ते में, तो दोनों अगर इस एक एस्पेक्ट में देखते हैं, अगर पानी गीला है तो उससे होता है कि कम से कम डस्ट नहीं उड़ता है,
नहीं तो फिर और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो लोग फिर शिकायत करते हैं। सर किन मानकों के आधार पे परमिशन दी जाती है बालू खनन की? मानकों मानक क्या होता है, मतलब किस आधार पे, कि मतलब उनको क्या क्राइटेरिया है कि जिस आधार पे वो देखिए किसी भी एरिया का ऑलरेडी जब विज्ञापित हम करते हैं उसमें जियो कॉर्डिनेट दिए होते हैं कि ये एरिया है, इस एरिया में बालू उपलब्धता है, आप इसमें टेंडर डालें, टेंडर डालते हैं, फिर माइनिंग प्लान बनता है, माइनिंग प्लान के अकॉर्डिंग वो खनन करते हैं और इसी में सारी शर्तें दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग काम होता है और कोई वायलेशन अगर करता है तो उस पर हम लोग पेनल्टी करते हैं।